अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन व मन तबिअहुम बिहसान इला यौमिद्दीन व बाद। قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله السميع العليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا। تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شريك له لائق ذبح ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते मुकद्दसा पर। सदर इजलास जनाब मुंशी रज़ा हफीज़ुल्लाह, उस्ताद मोहतरम शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी हफीज़ुल्लाह और दीगर सामईन, मैंने आपके सामने सूरह नस्र जो इंतहाई मुख्तसर सुरा है उसे तिलावत किया। इस ज़िम्न में जो एक शान नुज़ूल मिलता है वो इस सुरे की अहमियत को बताता है, इसका पैगाम इसका मैसेज क्या है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी मजलिस में बैठने वाले बुज़ुर्ग तरीन साहेब इल्म अफराद में एक शख्सियत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की भी थी, जो उम्र में दीगर अफराद के मुकाबले में कम थे। कुछ लोगों ने उनकी मौजूदगी के बारे में एतराज़ उठ किया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका जवाब प्रैक्टिकली अमली तौर पर दिया कि आखिर बड़ी उम्र के साहिब इल्म लोगों के दरमियान हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मौजूदगी क्यों ज़रूरी है। इसी सूरे की तिलावत की, कहा कि इसका शान नुज़ूल क्या है, क्यों अल्लाह ने इस सूरे को नाज़िल किया। हर किसी ने अपने एतबार से कहा कि इसका मकसद ये है कि अल्लाह का दीन लोगों के दरमियान फैलना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमें अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हर किसी ने अपने अंदाज़ में इसके बारे में जो इल्म था बयान किया। सारे लोगों के जवाबात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कहा कि अब आप इसकी तफसीर शान नुज़ूल बयान कीजिए। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, फ़ी ही नाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दी गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़ाहरी एतबार से नज़र कुछ और आती है और उसकी मानवीयत कुछ और होती है। ज़ाहिरी एतबार से सूरे को तो यही लगता है कि इसमें अल्लाह के दीन को लोगों के दरमियान फैलने और लोगों के जौक दरजौक इस्लाम के कबूल करने के बारे में खबर दी जा रही है और अल्लाह की हमद सना की तलकीन है, जबकि बताना मकसूद ये है कि इसके तनाजुर में इसके पस मंज़र में कि हकीकत में जिस मिशन के लिए जिस मकसद के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था वो मिशन अपनी तकमील के मरहले पर पहुंच चुका है और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया को अलविदा कहना है, सफ़र आखरत के लिए रवाना होना है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तस्बीह अल्लाह की हमद सना और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। यह जो पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पूरी उम्मत को दिया गया है, काबिले गौर बात यह है कि अल्लाह ने यह कहा कि उसकी तस्बीह यानि हर किस्म के ऐब से अल्लाह की ज़ात को पाक करा दिया जाए और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अपनी ख़ता अपनी गलती का इकरार किया जाए कि हाँ मैं ख़ताकार मैं गुनहगार हूँ। अल्लाह की तस्बीह अल्लाह को बेऐब करा देना और अपनी ज़ात को ऐबदार ख़ताकार शुमार करना है। इंसान जब तक उसके सामने इस दुनिया की विदाई या मौत का ख़तरा नहीं मंडलाता तब तक हकीकी मानों में उसके सामने अपनी ख़ता और अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो पाता। एक इंसान आप देख लीजिए, अचानक उसे कोई बीमारी बड़ी लग जाए जिसके बारे में
डॉक्टर ये कह दे कि हो सकता है कि इसमें तुम्हारी जान चली जाए, कैंसर है, बड़ी बीमारियाँ, फौरी तौर पर वो क्या करता है, जितनी मुद्दत मिली है वो लगता है कि जो भी मौका है लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करता है, अल्लाह से भी इस्तग़फ़ार करता है, उसे अपनी ख़ता अपने गुनाह याद आने लगते हैं, इसलिए कि मौत अब उसके सामने है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हुक्म कि अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अलमौत, लज्जतों को तोड़ देने वाली यानी गफलत के पर्दे से बाहर निकालने वाली, जिस गफलत में जाने के बाद इंसान को अपनी ख़ता और अपनी जुल्म ज़्यादतियाँ याद नहीं आती हैं, ये मौत है जो उस पर्दे को चाक करती है और दिखाती है कि हमारी ख़ता हमारी गलती क्या है। इसीलिए कहा कि अक्सर कसरत के साथ इसको याद करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रस्तान जाने का जो मकसद बताया वो यही है, फ़ैन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ये मरने के बाद की ज़िंदगी आखिरत की याद को ताज़ा करती है। ये सोच जितनी कमज़ोर पड़ेगी हमारे मामलात उतने ख़राब होंगे, और ये सोच ये अकीदा जितना मजबूत होगा हमारे मामलात उतने बेहतर होंगे। असहाबे किराम के दरमियान मसाइल उठते थे, वो भी इंसान थे। मैं एक रिवायत अक्सर बयान करते रहता हूँ बुखारी की है, मुसनद अहमद वगैरह में, कि दो सहाबी अपने तनाज़े को जो ज़मीन से मुतालिक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके केस को, उनके मुकदमे को हल करने से पहले कहा कि हो सकता है कि तुम में का कोई शख्स चर्ब ज़बान हो और उसकी चर्ब ज़बानी, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने का हुनर, फ़न, इसकी बुनियाद के पर फैसला उसके हक में कर दूँ। आप तो इतराफ़ कर रहे कि जो ज़ाहिर है और जो बोला जा रहा है वही मेरे इल्म में आता है, मैं गैब का इल्म नहीं रखता, वरना किसी की चर्ब ज़बानी से मैं कभी मुतासिर नहीं होता, जो हकीकत है मेरे सामने होती वो बयान कर देता, उसके पर फैसला होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं किसी की चर्ब ज़बानी से और उसकी बातों के अंदर लच्छेपन से मुतासिर हो सकता हूँ और फैसला जो होना चाहिए उसके खिलाफ कर बैठूँ। अगर ऐसा है तो जान ले के वो मेरे पास से जहन्नम की आग का एक टुकड़ा लेकर जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चर्ब ज़बानी की बुनियाद के पर फैसला जो उनके हक में नहीं होना चाहिए करवा लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो दुनिया हासिल करके अपनी आखरत को बर्बाद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये कहा, दोनों सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ज़मीन हमारी नहीं है, नहीं चाहिए। सहाबा को आखरत की फिक्र थी, वो अपनी दुनिया को तबाह करके अपनी आखरत, अपनी दुनिया को आबाद करके या कुछ हासिल करके आखरत को नहीं तबाह करना चाहते थे। तो ये अकीदा, ये फिक्र जितनी रासिख होगी, याद रखिए हमारे मामलात उतने बेहतर होंगे, या अगर बिगड़े भी तो उनके संवारने के लिए आसानी बहुत होगी आखरत की फिक्र की बुनियाद पर मरने के बाद की ज़िंदगी की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर मौत की खबर दी गई, और मौत एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको ज़िंदगी के बिल्कुल अखीर मरहले में जब आप एड़ियाँ रगड़ लें शुरू कर दें, अर्ज़ले उम्र को पहुँच जाए उस वक्त तो आपको मौत आएगी, नहीं, मौत कभी भी आएगी। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, कुरान मजीद ने कहा अल्लाह की तस्बीह और इस्तग़फ़ार की कसरत होना चाहिए, सुबह शाम के अज़कार में भी यही चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए। सुबह शाम मतलब क्या है? अगर हमारी ज़िंदगी की शाम हो रही है तो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी से एक दिन को कम कर दिया है। अल्लाह की तस्बीह बयान करो कि हमने उसमें जो कुछ किया उसके पर मुहासबा किया जाए, गौर किया जाए कि क्या वाकई वो हमारे आने वाले कल के लिए, हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर था कि नहीं था। अल्लाह की तस्बीह बयान किया जाए कि अल्लाह ने हमको एक मौका दिया था, एक दिन और अता किया ज़िंदगी का। और अगर सुबह हो रही है तो अल्लाह की तस्बीह है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र हो कि अल्लाह ने हमको मरने सोकर बेदार होने के बाद एक और दिन अता किया ताकि हम अपने आप को संवार सके, बेहतर बना सके। तस्बीह अल्लाह की हमद सना है, अल्लाह को अराइब से पाक करा देना है, इस्तिगफार से अपनी ख़ता और अपनी गलती को मानना है और उसके बारे में अल्लाह से तौबा करना है। इस्तिगफार और तौबा ये दो अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इंसान अपनी ख़ता अपनी गलती का एतराफ़ करे।
इसलिए कि जब तक वो गलती मानेगा नहीं तो तौबा करेगा नहीं। तौबा का मतलब होता है यू टर्न, गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ आना। अगर आपको मुंबई के लिए जाना है, रास्ता इस जानिब है, लेकिन आप मुंबई के बजाय अकोला नागपुर के रास्ते पर निकल गए, किसी ने आपको टोक दिया या किसी जगह खुद आपको एहसास हो गया कि नहीं मैं गलत रूट पर जा रहा हूँ, तो पहला स्टेप ये होता है कि मजीद आप आगे ना जाए। यही है इस्तिग़फ़ार के अपनी ख़ता अपनी गलती को तस्लीम करे। बंदा जब तक ख़ता तस्लीम नहीं करेगा उसके कदम गुनाह के पर जरी होते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इस्तिग़फ़ार पहला स्टेप है और तौबा का मतलब है यू टर्न, यानी गलत रास्ते से सही रास्ते की जानिब आना। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी बात कहते हैं, यहाँ उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ कुरान मजीद ने नकल की है उस पर गौर कीजिए। जो दुआ है रब्बना ज़लमना अन्फुसना, कि ऐ हमारे रब हमने अपने आप पर अपने नफ्स के पर जुल्म किया है। ये है एतराफ़ जुर्म के हाँ ख़ता हमसे भी गलती भी। जब तक बंदा ख़ता तस्लीम नहीं करेगा तो कैसे वो अल्लाह से अपने गुनाहों के बारे में माफ़ी मांगेगा। सबसे पहला स्टेप है अपने जुर्म अपनी ख़ता और अपने गुनाह का इकरार। बहुत सारे मामला हमारे दरमियान होते हैं, पंचायतें होती हैं, मामला हल क्यों नहीं हो पाते, इसलिए कि बंदा अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। अगर वो कर ले कि हाँ मुझसे ख़ता हुई तो बात आसानी के साथ बनती है, और अगर नहीं मानेगा तो बात बिगड़ती ही जाती है। तो ये ख़ता का तस्लीम करना मानना जो हज़रत आदम ने किया कि हाँ मुझसे ख़ता हुई, इबलीस ने ख़ता तस्लीम नहीं की बल्कि अपनी ख़ता के लिए नाउज़ बिल्ला अल्लाह तबारक व ताला को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया। रब्बी बिमा अग़वैतनी, कि ऐ मेरे रब, वो रब कह रहा है और उसके बाद ये भी कह रहा है कि जिसकी वजह से तूने मुझको गुमराह किया। दोनों फ़र्क है, एक रास्ता आदमियत का है और एक रास्ता इबलीसियत का है। अल्लाह ने दोनों चीज़ें हमारे सामने लाकर वाज़े कर दिए कि हम किस राह के पर चलना चाहते हैं। वहदैना हुन्नजैन, दोनों रास्ते हमारे सामने वाज़े कर दिए। अल्लाह ने इसी चीज़ का हमें इख्तियार दिया है और इस इख्तियार का गलत फ़ायदा उठाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। इसका गलत फ़ायदा मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने हमको सिर्फ सही और गलत के बारे में इख्तियार दिया, उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में किसी और चीज़ का इख्तियार नहीं। ना हमें इस बात का इख्तियार है कि हम अपनी मर्ज़ी से मर्द या औरत बनकर आए, ना हमें इस बात का इख्तियार है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी अपनी उम्र तय करें अपने रिस्क को तय करें, ना सेहत और बीमारी के बारे में हमें इख्तियार दिया गया, ना हमें खूबसूरती बदसूरती के बारे में इख्तियार दिया गया, नहीं दिया गया। इंसान हर मामले में अगर देखा जाए बे इख्तियार है सिवाय हिदायत के। हिदायत के मामले में उसे इख्तियार दिया गया, दोनों रास्ते उसके सामने लाकर वाज़े कर दिए गए और इसी के पर जन्नत और जहन्नम के फैसले को रखा गया है। तो अल्लाह ने जो इख्तियार दिया उसका सही फ़ायदा उठाया जाए, ख़ता जहाँ है वहाँ तस्लीम किया जाए, और उसी के लिए अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार और तौबा का दरवाज़ा हमारे सामने रखा। ये रास्ता इतना पावरफुल है इस्तिग़फ़ार और तौबा के इंसान की बड़ी से बड़ी ख़ताओं को आसानी के साथ माफ़ी और उसके साथ साथ अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बना देता है। तौबा के अंदर इस्तिग़फ़ार के अंदर इतनी ताकत है, शिर्क को माफ़ करवा सकता है, कत्ल को माफ़ करवा सकता है। बनी इसराइल के एक शख्स ने 100 लोगों को कत्ल किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ किया। तो ये इतनी ज़्यादा ताकत और चीज़ अल्लाह ने हमको अता की। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस तरह हर चीज़ का साबुन होता है जिससे गंदगी को निजासतों को साफ़ किया जाता है, इसी तरह हमारे जिस्मों के पर भी अगर गंदगी लग जाए उसके लिए साबुन है, बदन के पर लग जाए, कपड़े के पर लग जाए, उसकी सफाई का अहतमाम करने के लिए अल्लाह ने हमको साबुन अता किया। ऐसे ही गुनाह जो हमारे दिल के पर लगते हैं ये ज़ाहिरी और मादी साबुनों से इसकी सफाई नहीं हो सकती, अल्लाह ने इसके लिए रूहानी साबुन रखा है तौबा इस्तिग़फ़ार की शक्ल में। सूरह तौबा में सूरह बकरा में अल्लाह ने एक बहुत प्यारी बात कही, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि अल्लाह खूब तौबा करने वालों को और तहारत पाकीज़गी हासिल करने वालों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। एक ज़ाहिरी पाकीज़गी है,
जिसे हम अपने जिस्मों के पर या कपड़ों के पर लगने के बाद साफ करते हैं, और दूसरी रूहानी पाकीज़गी है जो हमारे दिल के पर गुनाह की शक्ल में लगने वाले धब्बों को साफ करने के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रखी गई है। अल्लाह ने दोनों चीज़ें बैक वक्त एक ही मकाम के पर बयान की। पहले तौबा का जिक्र किया, खूब तौबा करने वाले यानि जो अपने दिल के पर लगने वाले धब्बों की सफाई का अहतमाम करते, और उसी तरह तहारत यानि अपने ज़ाहिरी जिस्म या कपड़े के पर लगने वाली निजासत की सफाई का अहतमाम करते। अल्लाह ने दोनों चीज़ों को एक ही मकाम पर बयान किया। मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह मुतफ़िफ़ीन की तफ़सीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा अख़्ता ख़तिया, बंदा जब कोई ख़ता कोई गलती करता है, नुकितत फ़ी क़ल्बिही नुक़्ततुन सौदा, उसके दिल के पर एक काला धब्बा लग जाता है। लेकिन अगर बंदा चौकन्ना होता है, बेदार मग्ज होता है, सफाई का अहतमाम करना चाहता है, तो क्या करता है, वस्तगफर वताबा, वो अपने गुनाह के बारे में अल्लाह से मगफरत तलब करता है और तौबा करता है, यानि पहले एतराफ़ जुर्म करता है, मुझसे ख़ता हुई गलती हुई, और उसके बाद यू टर्न लेता है, गलत रास्ते को तर्क करता है, यानि उसके पर गुनाह पर इसरार नहीं करता, जमा नहीं रहता, बल्कि उसे छोड़ देता है, सही रास्ते की तरफ पलट आता है, तो क्या होता है, सुखीला कल्ब, उसके दिल को चमका दिया जाता है। हमारी गाड़ियों के पर कपड़ों के पर गंदगियां लगती है, हम उसको साफ करते हैं, दोबारा चमकने लगती है, उसकी शाइनिंग दोबारा वापस आ जाती है। ऐसे ही दिल के पर लगने के बाद गुनाह के धब्बे, जिनकी सफाई तौबा इस्तिग़फ़ार से की जाती है, तो तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए दिल की चमक दोबारा वापस आ जाती है, ये धब्बे साफ हो जाते हैं तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए। लेकिन बंदा अगर उसके बारे में एहतमाम नहीं करता तो नतीजा क्या निकलता है, वह इंसाद, अगर वो बार बार उसी गलती के पर अड़ा रहता है, गुनाह के धब्बे बढ़ते जाते हैं, हद तालु अकल्ब, यहाँ तक के उसके पूरे दिल के पर छा जाते हैं, तो उसके बाद उसके पर मोहर लगा दी जाती है। उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कल्ला बलराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके गुनाहों की पादाश में इनके दिलों के पर मोहर लगा दी गई है, जंग लग चुका है, अब ये हिदायत के काबिल नहीं है। तो इस मोड़ तक पहुंचने से पहले अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए कि दिल के पर मोहर लगा दी जाए, सील कर दिया जाए और हिदायत के काबिल ना समझा जाए। तो ये इस सूरे का पैगाम है कि मौत कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, उसके लिए तस्बीह का कसरत के साथ एहतमाम करना चाहिए, जिसके लिए हमें सुबह शाम के अस्कार बताए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे अस्कार मशकूर हैं, सुबह के भी शाम के भी, अलावा अजी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बैठे वहाँ पर भी जिक्र किया करते। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि आप हमेशा अल्लाह का जिक्र किया करते थे, तो जब भी फरागत हो अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। माना मफाहिम को समझने के बाद और आसानी होती है कि इसका मतलब क्या है, और उसके पर तदब्बुर करने के बाद उसकी गहराई और गिराई का पता चलता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस हकीकत से आशनाई अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार और सुबह शाम के जो अस्कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से साथ साबित हैं, उनका अहतमाम करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।